हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल से आप फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। बात करते हैं टीवी सीरियल वो तो है अलबेला की। तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा चमन डांस करती है और कान्हा रिकॉर्ड करता है अपने फ़ोन में। चमन इमेजिन करती है कि वो कान्हा के साथ डांस कर रही है, तभी उसका ड्रीम ट्रू हो जाता है जब वो अपने आप को खुद तारीफ करती है। नकुल तभी रिवील करता है कि वो शराब की बोतल खरीद रहा था जो कि चमन को चाहिए। तभी उसने सोचा कि क्यों ना वो अमू को थैंक्स करे उस दिन उसकी मदद के लिए। तभी उसने रियलाइज किया कि अमू भी इसी एरिया में रहती है। तभी वो गाइडेंस लेता एक आदमी से जो अमू के बारे में से बताते हैं, लेकिन वो आदमी जिस तरीके के डायरेक्शन बताते हैं उस पर नकुल चल पड़ता है और तभी वो किसी को बुलाते हैं। इधर दिखाया जाएगा सरोज किचन में एंटर करती है, वो शॉक हो जाती है किचन का हाल देखकर। चमन वहाँ आती है, दोनों ही एक हीटेड आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो जाते हैं। सरोज चमन को डांटती है, चमन उसे धमकी देती है और धक्का भी देती है। सरोज उसे चैलेंज करती है कि मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखा सकती हूँ। चमन उसे अप्रोच करती है और सरोज लेकिन बीच में इंटरप्ट करने आ जाती है सयूरी, क्योंकि वो बिगड़े हुए माहौल को सुधारती है। वो चमन से सरोज के बिहाफ पर माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो आपकी माँ जैसी है इसलिए उनसे गलती हो गई, आप माफ़ कर दीजिए। चमन तभी जो स्पैचुला है यानी कि जो करछी है वो अपने हाथ में ले लेती है और कहती है तुम्हें छोड़ रहे हैं क्योंकि तुम्हारी पहली गलती है, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरोज तभी माफ़ी मांगती है, सयूरी भी माफ़ी मांगती है कि आज तो कुछ का कुछ हो जाता। सयूरी यहाँ पर सरोज से कहती है कि हम चेंज करेंगे जो कुछ हुआ है लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में अभी नहीं। और वो प्रॉमिस करती है सयूरी कि कैसे चमन को हम एक बार आपकी किचन बर्बाद करने का जो जुर्म है वो पूरा गुनाह इससे कबूल करवाएंगे लेकिन अभी नहीं। तभी वो सरोज से कहती है कि हमें चमन को हराना है एक्टिंग करके उसी के तरीके में, इसीलिए आप प्लीज़ ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिससे हमें लेने के देने पर जाए। सरोज बहुत ज़्यादा अपसेट होती है, वो सोचती है कि वो मेरी किचन बिगाड़ना चाह रही है क्योंकि नकुल को उसने भेज दिया है नॉनवेज लाने के लिए, मैं अपने किचन में ये सब होता नहीं देख सकती। सयूरी उससे रिक्वेस्ट करती है, कहती है माँ आप हम पर भरोसा करती हैं ना, आप प्लीज़ थोड़े टाइम के लिए सब कुछ अवॉइड कीजिए। सरोज कहती है कि ठीक है लेकिन मुझे हर तरफ इसके जाने के बाद कंका जल झड़कना होगा। इधर नकुल डायरेक्शन फॉलो करता है उन इंसान के लेकिन वो अमू के प्लेस पर नहीं पहुंच पाता और तभी वो अगले पर्सन से मिलता रहता है। तभी वो डिसाइड करता है कि मैं चलता हूँ यहाँ से क्योंकि शायद मैं गलत आ गया हूँ। तभी कुछ आदमी उसे घेर लेते हैं और उसे क्वेश्चन करते हैं तुम अमू को क्यों ढूंढ रहे हो। नकुल झूठ बोलते रहे, कहता है कि मैं उसका क्लाइंट हूँ, मैंने एडवांस दिया था। अमू यहाँ पर कहती है, अमू का जो बॉस होता है वो नकुल से कहता है कि ठीक है तुम्हें पहले मेस से परमिशन लेना होगा। अमू वहाँ आ जाती है, वो झूठ बोलती है कि हाँ ये मेरा क्लाइंट है। तभी उसका जो बॉस है वो कन्विंस हो जाता है। नकुल डिसाइड करता है जाने का लेकिन अमू का बॉस जो है वो डिमांड करता है पैसों के। नकुल बहुत ज़्यादा अपसेट होता है, वो सोचता है कि मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तभी सरोज और दादी मौसी आपस में बात कर रहे होते हैं सयूरी के विश्वास की कि कैसे कुछ नहीं होगा, बस हमें थोड़ा टाइम सब्र रखना होगा। सयूरी ये सब बातें सुनती है और सोचती है कि मैंने जो प्रॉमिस किया है माँ से वो मुझे पूरा करना ही होगा हर हाल में। तो वो सोचती है कि नकुल कहाँ रह गया। मीनवाइल नकुल अमू से कहता है कि मेरा एक बार काम खत्म हो जाए उसके बाद मैं पैसे दे दूंगा। अमू कहती है, साइड में टॉन करती है कि नकुल को इंटरेस्ट है अमू में। तभी यहाँ पर वो 1,00,000 रुपए की डिमांड करता है नकुल से और कहता है कि जाओ हमेशा के लिए तुम अमू को ले जाए। नकुल यहाँ उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं बाद में दे दूंगा लेकिन जो बॉस है वो अड़ जाता है अपने फैसले पर। वो कहता है कि अमू को धमकी देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे इसके बाद ऑर्डर नहीं लूँगा अगर इसने तुम्हारा पैसा नहीं दिया। नकुल तभी हेल्पलेस हो जाता है। टिंगू काना से क्वेश्चन करता है कि तुम लोग चमन से प्रॉपर्टी छीनने की प्लानिंग कर रहे हो ना। काना झूठ बोल देता है, कहता है कि नहीं मैं तो कंपनी के नए प्रोजेक्ट प्रॉफिट्स लॉस देख रहा था। टिंगू से वॉर्न करता है। तभी चमन आती है वहाँ पर और वो कहती है कि अरे मुझे भूख लगी है। सयूरी काना उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं जब नकुल लौट कर नहीं आता। काना सजेस्ट करता है चमन से क्यों ना जब तक हम एक म्यूजिक वीडियो बना लें। चमन कहती है कि नहीं मेरे अंदर ऑलरेडी पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। सयूरी थैंक्स कहती है काना को, फाइनली वो उसे कन्विंस कर लेता है।
काना सयूरी से कहती है कि हम चमन को ज़्यादा देर तक डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बस नकुल जल्द से जल्द लौट आए। तभी काना और सयूरी चमन को लेकर के बहुत वरिड होते हैं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। वैसे ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।